के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर जैन समाज में रोष। राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समाज जनों ने सौंपा ज्ञापन। देवास में रतलाम जिले के कस्बा बड़ावादा क्षेत्र में दिनांक 21 दिसंबर 2018 को प्रातः 5:30 बजे सुबह जैन साध्वी मंडल विहार करते हुए जावरा की ओर प्रस्थान कर रही थी। तभी विहार के दौरान बड़ावादा के पीपल चौक पर एक ऑटो चालक ने साध्वी के साथ अभद्रता करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया एवं ऑटो में बिठाने का प्रयास भी किया। इसी घटना से जैन समाज में काफी रोष व्याप्त है। इसी घटना को लेकर आज देवास में जैन समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे एवं उन्होंने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम SDM जीवन सिंह रजक को ज्ञापन सौंपा एवं इस घटना में सम्मिलित ऑटो चालक को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की। अगर सूचना हम लोग को हो जाए और खासकर वरिष्ठ कार्यालयों में हो जाए तो वरिष्ठ नीचे क्या होता है कि कई बार क्योंकि कार्य की व्यस्तता की वजह से थाने में मान लो नहीं ध्यान दे पाएंगे। अगर आप वरिष्ठ कार्यालय में लगाओगे या देते हैं सूचना तो उसकी मॉनिटरिंग होती है कि यार ये बंद लगा कि नहीं लगा, वो गए कि नहीं गए, उसको कंट्रोल रूम को प्रॉपर इसके लिए बहुत कदम उठाए जाए। यह कि देश के कुछ राज्यों में साधु भगवंतों के विहार के समय उपयुक्त पुलिस सुरक्षा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उसे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। सकल श्री साधु तत्व का अपमान नहीं सहेगा जैन समाज, साधु तत्व का अपमान नहीं सहेगा जैन समाज, साधु तत्व का अपमान नहीं सहेगा जैन समाज। भगवान महावीर का अमर संदेश जियो जियो भगवान। हमारी व्यवस्था लगा जो भी साथ में रहते हैं ना इस विभाग के अधिकारी उनको स्पेशली गुरु भगवान से हम बातचीत करवाते हैं, उनसे आशीर्वाद स्वरूप दिलवाते हैं कि उनकी और भावना जो साथ में रहता है उनको भी अपना बहुत प्राउड फील होता है कि इतनी अच्छी हमने आज सेवा की इस विषय के लिए। जैन समाज भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हमारे गुरु भगवान जो कि 2500 साल से गुरु भगवान हमारे सेवा पैदल विचरण करते आ रहे हैं और आज भी पैदल विचरण कर रहे हैं, न तो इनका कोई वाहन का उपयोग करते हैं न किसी प्रसिद्ध चीज़ों का उपयोग करते हैं। आज हमारे गुरु भगवान के साथ हाल ही में रतलाम जिले के कस्बे में बड़ावदा क्षेत्र में हमारे गुरु भगवान के साथ जो छेड़खानी हुई इससे जैन समाज बहुत रोष में है और इससे ये एक छोटा सा उदाहरण के रूप में आज यहाँ पर जैन श्री संघ उपस्थित हुआ है। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, यदि कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई ढील पोल होती है तो हमारा जैन समाज और भी सख्त सख्त कदम उठाएगा, जिसके लिए पूरा प्रशासन इसके लिए बोल रहेगा कि इसके हमको इस सबको मिलके हम जैन समाज का कुछ उग्र आंदोलन हम कर सकते हैं। गुरु भगवान का अपमान हम कतई नहीं सहन कर पाएंगे, यही हमसे पुलिस प्रशासन से निवेदन है, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन है और राज्यपाल जी से भी यही निवेदन है कि इस कठोर कार्रवाई की मुजरिमों के लिए किया जाए जिससे हम जैन समाज का हमारा रोष व्याप्त हो सके।